कोर्ट का जो भी निर्णय होगा एस फाइल के मुद्दे पे हम उसको मानेंगे। दूसरी बात, जहां तक आप चंडीगढ़ की बात कर रहे हो, ये दुर्भाग्य है इस देश का, दो राज्य उनकी राजधानी अपने अपने राज्य से बाहर है। केंद्र सरकार को 20-20 हजार करोड़ रुपए दोनों राज्यों को देने चाहिए, अपनी साफ सुथरी राजधानी बनाए और चंडीगढ़ आदि आदि बांट दे दोनों। ये केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी से इतना क्यों करती है? दिल्ली में हमारी सरकार आई, हमारे अधिकार छीन लिए। चंडीगढ़ जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो पंजाब के रूल हटा दिए। उस समय बीजेपी की सरकार भी रही है वहां पे, कांग्रेस की सरकार भी रही है, तब तो कानून नहीं हटाए। अरे वो अपना हक मांग रहे, खट्टर अपना हक मांगे, खट्टर गुंगा गुड़पी के ना बैठे, हरियाणा के अकेले लड़े, केंद्रीय सरकार की बहू बन के ना बैठे। जब आम आदमी आएगी ना तो हरियाणा को चमकाएंगे और लेके दिखाएंगे। हम कहते हैं चंडीगढ़ किसका है, क्या माने हम? चंडीगढ़ हरियाणा का भी है भाई, हरियाणा का बराबर का हिस्सा है। पंजाब वाले अपना मांगे, हम अपना मांगेंगे। आज हरियाणा के प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता झज्जर पहुंचे। जब मीडिया ने उनसे बात की कि चंडीगढ़ को लेकर लगातार कहीं ना कहीं भगवंत मान को भारतीय जनता पार्टी घेरने का काम करी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी से पूरी तरह से डर गई है और बौखला गई है, क्योंकि उन्हें पता है कि हरियाणा का लगातार आम आदमी पार्टी का जो जन आधार है वो बढ़ता जा रहा है, उससे जो केंद्र सरकार है वो डर गई है और इस तरह की बयानबाजी कर रही है। और उन्होंने कहा अगर वाकई वो हित चाहती है तो 20,000 करोड़ रुपए पंजाब को देने चाहिए, 20,000 करोड़ रुपए हरियाणा को देना चाहिए ताकि वो अपनी राजधानी को अच्छे से चमका सके। साथ ही उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को कहा, जो ऐसे हरियाणवी भाषा में बोलते हैं कि गुंगी का गुड़ खाकर बैठी है, और वो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार की वो बहू बनकर बैठे हैं, क्योंकि हरियाणवी जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं टॉलरेट कर रहे हैं वो लोग, उनका जो हरियाणवी और पंजाब का जो भाईचारा था उसको तोड़ने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार कहीं ना कहीं भगवंत मान को टारगेट कर रही थी उस पर पूर्ण विराम लगा दिया सुशील गुप्ता ने। सुशील गुप्ता ने कहा हरियाणवी का हक है, पंजाब का हक है, हरियाणा अपना हक मांगेगा, पंजाब अपना हक मांगेगा। जब SYL के मुद्दे पर उनसे बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, SYL के मुद्दे पर साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं और मैं भी कह रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा, तो SYL के मुद्दे को बार में भारतीय जनता पार्टी भुनाने का प्रयास ना करे और हरियाणा के लोगों को बरगलाने का प्रयास ना करे, क्योंकि केंद्र सरकार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी से डर गई है, क्योंकि लगातार जो जनाधार हरियाणा में आम आदमी पार्टी का बढ़ रहा है उससे बौखलाहट है। और आप समझ सकते हैं कि स्पेशल सत्र बुलाया गया है, लगातार कहीं ना कहीं वो डोर टू डोर जाएंगे और भगवंत मान के इस बयान पर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी खड़ा करेंगे, तो उससे पहले ही सुशील गुप्ता यहां पर आते हैं और मीडिया के समक्ष रूबरू होते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि जी चंडीगढ़ में जो चंडीगढ़ को लेकर जो बयानबाजी दर्ज कराई जा रही है या बयानबाजी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो पूरी तरह से निराधार है, हरियाणा का हक है उस पर, हरियाणा अपना हक लेगा और पंजाब अपना हक लेगा। शुक्रिया।